चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम 0 टू 2 एम्पीयर इन 0.05 सेकेंड इज 8 वोल्ट। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मॉड ले लूँ तो क्या हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी आप इसको बोलोगे, पॉजिटिव कर दिया आपने। तो डी आई क्या होगा? आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, आई फाइनल 2, इनिशियल है 0, तो डी आई की वैल्यू 2 एम्पियर हो गई। डी टी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने टाइम ड्यूरेशन में? 0.05 सेकेंड। तो ये दोनों वैल्यूज और ईएमएफ की वैल्यू दिया हुआ है 8 वोल्ट, E इज इक्वल टू 8 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये वैल्यू रख दें, 8 इज इक्वल टू एल आपको निकालना है। डी आई की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू है 0.05, और इसको ये हो जाएगा कितना? L इज इक्वल टू 8 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 2, 4 से जाएगा ये, 4 इंटू 2 0.2 हेनरी, 0.2 हेनरी आएगा ये। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? 0.2 हेनरी, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।